आज पोहा बनाएंगे। पोहा बनाने के लिए थोड़ा मैं वेजिटेबल डाल के पोहा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने लिया है बैंगन, ग्रीन मिर्ची, अदरक, करी पत्ता, आलू, शिमला मिर्ची, इसको कैप्सिकम भी कहते हैं, कैरेट, टमाटर, नारियल और हरी धनिया। अभी हम इसको वो गार करेंगे। कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, राई 1-2 स्पून, चने का दाल, चोंग में अच्छा लगता है, इसको थोड़ा रोज़ कलर फ्राई कर लेते हैं। अभी इसमें ग्रीन मिर्ची, अदरक, कड़ी पत्ता, एक थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। पहले इसमें आलू डालेंगे। आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसी चोंक में वो आलू पक जाता है। ऐसा मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। आलू को मीडियम आंच पर रखेंगे। देखिए आलू थोड़ा अच्छा पक रहा है। इसमें कैप्सिकम और बैंगन डाल रही हूँ 2 मिनट के बाद। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी 2 मिनट ढक के पकाएंगे। देखिए पक गया है। अभी मैं टमाटर, कैरेट डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। मिक्स करके फिर 1 मिनट ऐसा ही थाली बंद करके पकाना है। अच्छा मिक्स हो गया है। देखिए अब ये पक गया है। इसमें पोहा डाल रही हूँ। नारियल, स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर से ढक के 2 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। 2 मिनट के बाद अभी बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर खिरा खिरा वेजिटेबल पोहा तैयार हो गया है। गार्निश के लिए ग्रीन धनिया डाल रही हूँ। पोहा रेडी।